ए गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा चौथा दिन और आज है हम नाको में। सो भाई लोग, आज हम नाको में रुके थे, एक अच्छा सा होटल मिल गया था, क्योंकि हमें ये कुछ रूम वगैरह अच्छा खासा था रूम यार, पावर वगैरह सब है, डाटा बैकअप हो चुका है, तो बंद कर लेते हैं इसको और इसे शट डाउन कर लेते हैं। और भाई लोग, ये बाथरूम वगैरह थे इधर, ये सामान पड़ा अपना सारा, और ये बाहर का कुछ व्यू है, काफ़ी अच्छा नज़ारा था। और हमने मैगी वैगी बना ली और अभी चाय आ गई अपनी और मैगी खाते हैं। आज हमें जाना है काजा, तो देखते हैं अपन काजा कब तक पहुँच पाते हैं, और काजा से फिर देखते हैं आगे। काजा में इतना ही रुकेंगे और आज घूमेंगे और कल घूमेंगे, फिर बाद में अपन देखते हैं उधर मनाली की तरफ जाने देंगे तो हम मनाली की तरफ निकल लेंगे, और अगर नहीं जाने दिया तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही उधर बंद था, रास्ता बंद रहता है विंटर में। और पीछे का कुछ ऐसा व्यू है, क्या शानदार लग रहा है भाई, पहाड़ है बर्फ वाले और ये सूर्य भगवान, और इधर अंकल है इनका, ये होटल है, पीछे भी पहाड़ है बहुत शानदार, और क्या ही खतरनाक लग रहा है भाई। बाकी अपन भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई भगवान की दया से कुछ हुआ नहीं है, और अपनी खुशी भी अच्छा खासा साथ दे रही है, बनना पड़ेगा भाई। और अभी ये कितना 1200 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, निकलते हैं होटल से और अभी थोड़ा धुआं देगी, क्योंकि अभी क्लीन होती है तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। और देखना पड़ेगा बैग तक तो नहीं मेरा, अपन निकल चुके हैं काजा के लिए, पास कर लेते हैं, थोड़ा ठंड लगेगी लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। सो अभी हम काजा के लिए निकल चुके हैं और यहाँ से काजा कोई कम ज़्यादा तो नहीं होगा, समुद्र है 30 किलोमीटर, तो पहले समुद्र आएगा फिर नज़ारा, क्या शानदार है। अपन वहाँ रुके थे ढाबे में, क्या नाम है उसका, वेलकम टू सोमांग टावर ऐसा कोई नाम है, और अपनी खुशी चल रही है अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो ये है कुछ भाई नज़ारा समुद्र से, फिर हम काजा निकलेंगे। और काफ़ी धूल उड़ा रही है यार गाइस, ओहो पीछे और आ रही है, ये देखें ना काफ़ी धूल उड़ाती हुई जा रही है, पूरा ये बैच ही कच्चा है पूरा, देखिए नीचे तक ये, हाँ यहाँ से अपने को जाना है। और अभी अपन है, अभी अपन सुमदो से 20 किलोमीटर और पहले है, सुमदो आ जाएगा 20 किलोमीटर बाद। और काफ़ी ठंड है यार, हाथ सिकुड़ जाता है, जब गाड़ी चलाती है और हवा लगती है ना गाड़ी चलाते समय, क्या लगती है भाई। चलो भाई लो मिलते हैं बाइक पे, आगे चलते हैं। और ये कुछ नज़र क्या ही करें, अभी थोड़ा धीमे धीमे चलाएंगे ताकि हवा ना लगे, और हवा नहीं लगेगी तो फिर ठंड नहीं लगेगी, आराम आराम से चलाते हैं, थोड़ा ये भी अच्छे निकालते हैं, 5-6 किलोमीटर का होगा, 5-6 किलोमीटर का होगा बैच, इसको निकाल देता आराम से, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। ये तो काफी है यार कच्चा बैच, मैंने तो थोड़ा सा सोचा था, लेकिन ये तो 5-10 किलोमीटर का होगा यार। चलो अब तो कोई गाड़ी नहीं दिख रही है तो धूल भी नहीं उड़ेगी, लेकिन बैच अभी सही किया लगता है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ गाड़ियां निकली ऊपर, और बाइकर मिले थे दो सुबह सुबह, जो भाई लगभग बिहार से थे, हाँ बिहार से ही बोला था उन्होंने, और दिल्ली में जॉब करते हैं, ऑफिस में लगे हैं कहीं, तो उन्होंने भी बोला एक भाई दिल्ली आओ तो मिलके जाइयो, मैं कह जरूर जी निकलेंगे वहाँ से तो मिलके जाएंगे, क्योंकि स्प्लेंडर तो स्प्लेंडर है भाई,
इसको लेके आना, वो जिगरा चाहिए लेने के लिए भाई, मन होना चाहिए लेके आएंगे। और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और आप मुंह उठाए और लेके आ गए, ऐसा नहीं होता। बाइक को कंप्लीट चेक करना पड़ता है, दो दो लोग बैठ के ऊपर देख लीजिए कि चैन कहीं स्लिप तो नहीं कर रही है। अगर स्लिप करती है तो फिर क्या बोलते हैं उसको, चेंज करवा लीजिए, थोड़ा थोड़ा चलेगा, ज़्यादा चलेगा, ये कुछ नहीं सोचना अपने को, ये थोड़ा ज़्यादा ये कुछ नहीं होता, उसको चेंज करवा लीजिए। आपको लग रहा है टायर नहीं चलेगा तो टायर को भी चेंज करवा लीजिए। इंजन वगैरह कुछ भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। बाकी मैं हर बार आता हूँ तो चेक करके आता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, और हर बार चेक करने की वजह यही होती है कि कहीं दिक्कत ना हो। मेरे आज तक पंचर नहीं हुई भगवान की दया से, महाकाल अपने साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अपने को भी चलाने में ध्यान रखें, गाड़ी कहीं फंस रही है तो दो बंदों से हेल्प मांग लो, कोई दिक्कत नहीं। किसने कहा पे हेल्प नहीं करेंगे, सब करेंगे, हेल्प करते हैं भाई। जब राइडर से राइडर मिलता है ना तो हेल्प करते हैं। मैं जब रात को पूँछ से आ रहा था तो मैंने एक दो जगह बोर्ड देखा तो मैं क्या रास्ता चूक गया था, नहीं मुझे लग रहा था मतलब चूक मैंने, लेकिन मैं रास्ता भटक चुका हूँ। तो भाई लोग अभी मैं रात को 7:30 बज गए थे यार, तो फिर अभी भी पूरी चढ़ाई थी, चढ़ाई में आपको पता नहीं चलता कि किलोमीटर कम करते, लेकिन आपको लगता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा चला लिया आपने बाइक। तो बाइकर का ग्रुप जा रहा था तो मैंने रोका या तो उन्होंने देखा नहीं या मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान नहीं दिया तो मैं रोका या काफ़ी, पाँच उसमें 15 के आसपास थे, 5-6 तो निकल गए आगे, 5-6 आगे निकल गए। तो 5-6 आगे निकल गए तो फिर मैंने सोचा अब किसको रोकूं, तो लास्ट में 2 बाइकर थे तो मैंने क्या क्या गाड़ी बीच में खड़ा कर दिया और एक्स का साइन बना लिया हाथ से कि भाई मेरे को हेल्प चाहिए। सो बंदा ने रोक दी गाड़ी कि हाँ जी भैया बोलिए कि क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा भाई नाको कितना दूर है यार, वो बोल रहे कि नाको ऊपर ही है यार, कि ऊपर जस्ट अभी आप जिस टॉप पे जा रहे हो ना सो वहीं मिलेगा आपको। मैं कहा चलो सही भी, मैं वो आपका ग्रुप था कि हाँ हमारे ग्रुप था, मैं बाइक में रुका रहूँ तो उन्होंने देखा नहीं होगा, लाइट से दिखता नहीं है हाथ वगैरह, अपन को ऐसा लगता है भाई के हाथ वो तो आपने बाइक खड़ी की है एक्स मारा, मुझे पता चल गया भाई हाँ बंदे को जरूरत मदद की जरूरत है, तो ऐसा होता भाई। अब राइडर को आप ऐसा हाथ लाओगे तो वो समझेगा कि आपने आपसे हाय हेलो कर रहे हैं, समझे आप, तो रोकना पड़ता है। तो मैंने बाइक रोक दी, फिर वो मदद फिर मैं धीमे धीमे आया और बोला कि भाई ऊपर यहाँ पूछते पूछते आया था, दो जगह और बीच में पूछा था, कुछ घर आ रहे थे छोटे छोटे वहाँ पूछा भाई कि नाको कितना दूर आ रहा, वहाँ मिल तो जाएगा ना रहने का, नहीं तो फिर मैं यहीं कहीं आपके आसपास ही कैंप लगा के सो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को। फिर वो बोले नहीं नहीं आपको मिल जाएगी, और आए यहाँ काफ़ी ठंड है। मैं कह रहा ठंड तो क्या है, आप दे देना एक कम्बल के, हाँ वो बात सही है, घर वालों ने बोले। चलो भाई फिर तो मैं नाको में आ गया और यहाँ आके पूछो तो थोड़ा वाइडनिंग के आते ही पहले बोले 1200, फिर 800-700 ऐसे करके 700 पे डन हुआ, फिर 700 से थोड़ा कम हो जाता, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि यार क्या ही कम करूँ अभी यार, मैं पूरा थक चुका था। सो आते ही सो गया, ठंड भी इतनी लग गई थी ना कि पूछो ही मत यार, ठंड की तो पूछो मत। -6 मैं आया तो -6 था और जब सो गया तो -7-8 हो गया, मुझे रात को कितना गया वो पता नहीं। भाई लोग ये थोड़ी दिक्कत रहती है इधर, सो भाई लोग इनका भी मानना पड़ेगा बिहारों के सभी आदमी को, इतनी ठंड में काम करते हैं सारे मशीनरी वगैरह और ये इनके रहने के लिए ये है बनाए हुए, वैसे दिक्कत नहीं होती इनको बनाए हुए, अच्छे खासे जैकेट वगैरह देते हैं ये बिहारों का, ये तो है। और लेकिन जो जो काम करते हैं ये
मैं ट्रक चला रहे हो, सभी इंडियन आर्मी के ही है बिहारों के मोटर ऑर्गेनाइजेशन। सो बिहार का जो भी रोड बनेगा है वो इतना शानदार बनेगा ना, ये पूछे ही बताओ। आप तो बस आइए एक बार बाइक लेके और कीजिए ट्रिप। आपको राजस्थान में इधर अदर स्टेट जो जहाँ इतनी ठंडी पड़ती है वहाँ आपको पहाड़ी इलाका नहीं है, वहाँ आपको गाड़ी चलाना अगर खतरनाक लगता है तो भाई ये फिर ये तो आपके लिए है ही नहीं, ये रोड आपके लिए नहीं है भाई। इसलिए आपको अगर वहाँ आपको डर लग रहा है तो वो आपके ये रास्ते आपके लिए नहीं है ऐसा। जो उन पहाड़ों पे अपन सोचते हैं ना भाई मैं यहाँ ऐसे चला लेता हूँ, मैं ऐसे वैसे कर लूँगा, मैं ऐसे ऐसे निकाल लूँगा, वो ऐसे के ऐसे वहीं धरे रह जाते। आप इस रोड पे आए और आपका पूरा आपका शरीर बॉडी का हर एक हिस्सा जो होता है ना उसकी टेस्टिंग हो जाती है। काफ़ी टफ होता ही है गाड़ी चलाना। इतना क्यों कटवट लग गया, दिक्कत हो जाएगी, टायर ठंडे थोड़े ये भी देखना पड़ेगा, ठंडे टायरों में ये भी दिक्कत रहती है कि कट लगने की, और यहाँ कट लग गया तो सुनील के लग जाएगी, फिर सुनील की ऐसी हालत होगी ना कि कोई पूछ ही नहीं पाएगा, कोई पूछ ही नहीं पाएगा, फिर ऐसी दिक्कत हो जाएगी। देखो भाई कैसी ठंड में काम कर रहे, अपने को घूम घाम के इस नीचे जाना है, और वो स्पीति रिवर है ये अपने पास पास आ रही है, वो इससे ही बोलते हैं स्पीति, और जो भी इसके साथ साथ बसे हुए गांव है वगैरह जो देखने लायक है, समझो यहाँ से 18 किलोमीटर के हम कल से चल रहे, फिर भी 2-3 किलोमीटर निकले अपन से, और अभी नीचे काम चल रहा है तो भाई गाड़ियों को रोक लेते हैं, फिर इधर से काम बंद होता है इधर रोकते हैं, अपने भाई कहते अपने जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि पास में से निकल जाती है, थोड़ा पक्का फिर थोड़ा वेज कच्चा, थोड़ा फिर पक्का थोड़ा फिर वेज कच्चा, क्योंकि ये काफ़ी शांत है यार, एकदम मज़े वाला है, इतने बाइकर वगैरह नहीं आते। ये शांत महीने अप्रैल में आया हूँ मैं, आज 8 अप्रैल है, सो अप्रैल में लोग है ना थोड़ा कम ही आते हैं क्योंकि ठंड होती है, वो मई वही में आते हैं, बाकी विंटर करते हुए मैं इस बार तो जैकेट वगैरह ले लूँगा यार, क्योंकि हर बार इतना तकलीफ होना सही नहीं होता। अपन वापस आएंगे तब तक इस पर डम्बर डाल देंगे शायद, हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है। ओह काफी काम काज काफी अच्छा चल रहा है यार, छोटी गाड़ी देखती एक बात तो है, सब देख रहे हैं क्या यार, बंदा स्प्लेंडर लेके आया है, और जब नंबर देखते ना तब तो बोलते हैं कि हर बंदा राजस्थान से लेके आया है, ये तो इस बात की तो मुझे भी थोड़ी बुखार है यार, इसका क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। अपने स्प्लेंडर से वो अलग ही होती है यहाँ, क्योंकि सब बड़ी बाइक चलाते सब राजी हो जाएंगे, सुबह सुबह होटल वाले भाई वो भी राजी हो गए, ये बंदा यार स्प्लेंडर लेके आया वो भी हमारे यहाँ रुका, अब भाग्य हमारे चाय पिलाई मेरे को फ्री में, वो सेवा है उसको फ्री या कुछ नहीं बोल सकते अपन, लेकिन उन्होंने सेवा में चाय पिलाई और हमने पी और फिर हम भी निकल लिए अपने मंजिल की तरफ। ओह भाई क्या बात, रास्ते ने तो अपनी पूरी निचोड़ रखा है अपने को, बस पूरा कर रखा है भाई, कितना भागेगा भाग, पक्का बैच आता है तो मिलते हैं आपको। एक बात है भाई, जब अपने पास पैसे होते हैं तो पराए भी अपने होते हैं, और जब जब जेब खाली होती है तो अपने भी
पराए होने लगते हैं। यही है दुनिया का रिवाज, इसलिए दूसरों का छोड़ो और अपने एक खास आदमी को लेके जिंदगी जियो। बाकी कौन किसका है, कौन कितना है, कौन अपना है, ये सब वो माया, इससे कोई मतलब नहीं, ये सब कहना लेना है। और इस दुनिया में सब बोलते हैं कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, लेकिन इसको पैसे दिख गए ना तो उसकी नियत बदल जाएगी फटाक से और बोलेगा भाई अभी है वो तो झीले, बाद में खाली हाथ जाना ही है। ऐसा ये सब कहावतें हैं, इन पे भरोसा नहीं करो तो बेहतर है। अपन तो बस अपना देखो और जैसे जैसे चल रही है ज़िंदगी को अच्छे से जियो। सब कुछ खर्च करना है अपने ऊपर करो ताकि कोई दिक्कत ना हो, सब अपने ऊपर खर्चा करो बाकी कुछ मत करो। लोग क्या कहेंगे, लोग तक कहते रहेंगे लोगों का क्या है। हम भी जब राइड पे निकले थे तो लोगों ने तो पीछे बहुत बुराइयाँ की होगी, क्या ऐसे ही पैसा उड़ा रहा है, ऐसे ऐसे काम करेगा, फिर बाद में दिक्कत। भाई आप लोगों का साथ होगा तो उनका मुंह बंद कर लेंगे। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो फिर अभी तो इस बात पे, तो और अगर नहीं किया तो कर लीजिए, आप ना छोटा भाई का इतना तो कर ही सकते हैं और आप छोटे हैं तो बड़े भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सो वैलो ये नीचे जो आपको दिख रहे हैं ये सेब के पेड़ है और कोई दिख ही नहीं रहे, नहीं तो उनसे पूछते कि भाई आके देख सकते हैं क्या, अगर कोई दिख ही नहीं रहे फूल आ रहे तो मुझे लगता है ऊपर भी है, देखिए काफ़ी जो फूल लग रखे हैं। सो कोई दिखे तो पूछे यार, लेकिन घर का होना चाहिए, फिर बाहर तो ऐसे रोड पे चलते तो बोल देगा जाओ देख लो, और फिर घर का मालिक बोल देगा नहीं तुम नहीं देख सकते तो फिर क्या करे। सेब के पेड़ है ये सारे के सारे जो फूल लग रहे हैं वो अभी इनके फल आ रहे हैं, थोड़े दिन बाद में इन पर ढक लेंगे। और दो ओहो भाई ओ भाई, इसकी तो रेवर भी अपनी काची चरम सीमा पर बह रही है कम, और यहाँ पिलर बना रही है ऐसे भाई वो है ऐसा होने का, और काम चल रहा है जोर शोरों से। यहाँ वो बनाएंगे दीवार ताकि ये जो ऊपर से गिरते हैं वो नीचे ना आए। विश यू ए सेफ जर्नी, थैंक यू बिहार, ऑलवेज वेलकम यू इन हिमाचल एंड लद्दाख एरिया बीआरओ समदो 9 किलोमीटर। समदो में क्या है, कुछ है बस ऐसे ही बस गप्पे मारने के लिए जगह है, कुछ है पता ही नहीं मुझे, तो ये भी पता नहीं मुझे किस जगह क्या देखना है। मुझे शिमला विमला कुछ नहीं देखना भाई, शिमला में मैं निकल गया बस हो गया मेरा शिमला, क्योंकि मनाली शिमला एक ही है, शिमला मैंने मनाली आराम से घूम लिया तो हो गया, बस मेरे को मैं टप्पा मारना है हाँ भाई तुम शिमला गए हुए हो। पहले अपन काजा में पेट्रोल भरवाएंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप है ऊंचाई पर बसा हुआ, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची रोड भी भारत में ही है मोटरेबल, वो आपको पता ही है खारदुंगला पास वाली है, बहुत सबसे ऊंचा है भाई, सबसे ऊंचा हाईवे है वो भी नेशनल हाईवे है। नहीं नहीं भारत में भाई लद्दाख के एरिया में टूरिस्ट आते हैं कुछ तो बात है, वरना कहा नहीं भारत में आता, लेकिन यहाँ आइए आपको ठंड लगेगी फुल। और सुबह आपको मैंने बताया नहीं मेरे बोतल में पानी है ना जो जम चुका था पूरा, ऐसे बर्फ जैसे हिलाया तो हमारे बर्फ बन गया था। यहाँ चाय बनाते हैं भी या नहीं, नहीं और होटल लंच ब्रेकफास्ट चाय मिलती तो है। बेबी यहाँ चाय मिलेगा पूछ, हाँ है मिलेगा, चलो थैंक यू। चलिए भाई लोग अपन थोड़ी चाय पी लेते हैं और फिर आगे का सफर जारी रखते हैं। चाय बनाइए अंकल, हाँ हाँ एक ही हूँ तो एक ही, थोड़ा कड़क रख दिया ना, कड़क रख दिया थोड़ा। हेलो अपन ने अभी है सलकर में और हमने चाय वगैरह पी ली है,
थोड़ी अंकल से बातें बातें की और सेबों के बारे में पूछा कि वही कब लगेगी, तो इनके अगस्त में लगेगी। और अभी काफ़ी अच्छा नज़ारा है, मौसम शानदार हो गया है, पीछे वही पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ वाले जो कि काफ़ी शानदार लग रहे हैं। सलकर ही है ना अंकल, शंकर तो ये सलकर विलेज है, छोटा गांव है लेकिन काफ़ी मंदिर है कि, और बाकी वो सलकर का मंदिर है जो बुद्धिस्ट धर्म का है, ये देखिए पूरा ऊपर। और भाई ठीक है, काफ़ी शांत वातावरण है इधर का, अपनी तरह उधर शोर शराबा नहीं रहता है, खड़ी अपनी गाड़ी खुशी की, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और देखते